तो मदर लोग यहाँ में खतरी 20 साल से हम 20 साल से हमारी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं तो सब नौकरी तो बाप रे मार डालूंगी ना तेरे इतना डर लगा ना सुजी धाई हमारी चुड़ियाँ पहन लो और धुतिया पहन लो कौ पंच राजा हो तुम वो खा लगा था क्या जब वो उठा के पटक दही खा देख तो इन नक्टा अपने मन से शर्म नहीं लगाता कि चार पंचन में बैठ के मैं झूठ का यहाँ बोलो माता रानी सब अच्छा अच्छा करिए माँ भोलेनाथ चलो रोटी वोटी बन जाए आदमी को नहीं पता कहाँ गाओ जितनी सी लुड़ गया है हाँ तो फिर आया होती तीस में पीसा तरह दसदार कह दे कि लुट गया तो ले आता ना ढंग की तो बिल्कुल नहीं सुना सही में हमारा तो पस्ट जी यही इस आदमी से बाप मता नहीं जैसे फंसा था सुनो नहीं जाना लाला इतने आई हो हाँ माँ जी आवे थे का काम है वो भैया कहाँ हमारे गाँव तो माँ मोगा बीड़ापुर बुला रही हूँ कह देते आप भाभी बुला रही का काम है अब ये लाला का चुकाम बुला दू तुम हमें आओ जाए तो बुलाओ जल्दी बुलाई क्यों आओ कछु नहीं देखा घर को एकदम बाहर ही बाहर डोल बस देखा तो रोटी भी आने दी तो बस के रहा हूँ तो जी छकू जैसे उसे मैं जाना दो साल से खुबाए तुम्हें सानी और ब्याह देगी अबे आसालो नन्या भाई तो कभी सानी में नहीं है अब कब है ब्याह आने बच्चा हाँ भाजी टेहती कहाँ टे आती हमें नहीं आ पाते उनकी समझ में नहीं अब कहाँ टे आता चल सानी धाय था भैंस का है रख रहा तुम वो हमें हमें यहाँ लगवा रहा खोल है भैया आ जाइए जल्दी कलयुग किनारे राम धाई सब रोग बीमारे कहा के थी लक्ष्मी जू तुम्हें तो हमने कबे बुलाओ तू सानी बनाए थे भैंस खा भैंस का सानी बनाए से तुमसे 10 दिन कह रहे कि लुड़िया ले आओ अच्छी सी यही से काम चला ले अगली साल लो आ दे अगली साल का है पर देख ले तुम्हें कई अगली साल ऐसी ज्यादा मुँह न चलाएगा सुबह सुबह से तुम हमारे लोग चिल्ले आना ठीक है ना चिल्लिया कह पे ठीक तो कह की काम चला ले इसे नहीं चलाने काम कछु नहीं दूसरी लेके आना तो खुद पीसो हमें नहीं पीसने अरे यार हम कैसे पीछे लुगाइयन के काम है जी लुगाइयन के काम तुम लुड़िया नहीं ले सकते आजे देवी जू ठंडक बांध आदमी सुन लगा ना था मोहल्ला के मोहल्ला के मोहल्ला के का कर ले मोहल्लन के ठटरी बांध है हम ते तो नहीं रात को उखा तुम है ना चिल्ली आना कर एक तो कछु काम धंद की नहीं है अरे यार हम कितने चल लिया हम जाके अगर दिए दिए बात करेंगे तो आदमी सुनते आए कछु नहीं दिखा घर को सुना सुनत रहा है का कर ले भी और तो ये नैया कुकोड़ है ते तो बनी एकदम महरानी चला उतरा तो बस कछु काम दान के तो होने हाँ हाँ पे कर रही पूरा काम भैंस का सानी धाया सुबह से पानी पिबाया है तेना के लिए जो बांटला मसालो मसालो बांटा घर की झाड़ू लगाई पोछा लगा जी को खाना पीना बनाने कित तो कहानी करा था हम घर को हाँ जो तो अनोखो तो मई काम है कर रही हूँ कौन कहते है खुद करके देखो जब पता चले जी लुगाइयन के काम का आवे लगी हमसे काम करो कछु नहीं दिखा ताकि बोनी को टाइम होगा अरे हमें सब दिखा दो खेत तो है ही अपने सुबह बजे दो खेत है और भी वाले दो खेत जो 2 साल से अपना बे भी नहीं मिल रहा अरे उनकी आशा छोड़ दे ऐसे कैसे आशा छोड़ दे अपने खेत तो कैसे होगा 20 साल से तो बेच जूत रहा छाती में हमें मार भी लात के उगे समझ में आ जाए तो दिमाग खराब होगा का इतना डर लगा ना सुजी धाई हमारी चुड़िया पहन लो और धुतिया पहन लो इतने कछु ना का उन्हें जोत लन रहे उन्हें जोत रहे उनकी ठटरी बाहर हमें इस साल हम देखा तो ना कुआ जोत रहा देख हम लड़ाई नहीं चाहो
अच्छा नहीं लगन लगा था। अब दो ही खेतन की बात है तो छोड़ हो जाए लड़ाई। हम रात को मन नहीं, हम साना फाड़ के चार कर दे भी लोग आनन हां। ते तो एकदम लावे भाई बनी सो लल्लजे खेतन पे ना बोलियो हम फे समझाए तोए। तुम है ना चुप राव करो, तुम इतना ही डर लगत ना सो भीतर बैठ जाओ, गेट लगा लो, अकेले हम आए लो मोना चलाओ। हां अपने खेत संभाल ले, अपने खेत संभाल ले, अपने बाप की बाप होती क्या काय कोन की क्या जो है सो जो ठटरी को बार जाने के तो डरात के तो नहीं डराता। दस दिन कह रहे कि चूड़िया पहले सुना तो चूड़िया पहरा था ना पोवरा था। हमें बह के रहने वा खेत या सुन चाजू कछ हो जाए। चलो आज खेत को देखे आऊंगे, ट्रैक्टर मिल जाए जुतवा दें, डटुआ टुकड़ा तो बटवा ही दें अपन जान दिया गाँव में गजब होगा। खेत पे डुआ बीन भी खेत के ठीक है वो नहीं दो ही खेतन के बीन लग जो एक खट्टे जो है मैं आग लगा दें फिर। और जोन बोबा लो तो अपना खेत भी दो ठग गया भी। अरे उनता ही ना जज्जू तुम्हें हजार दिन समझाओ नहीं आउट का तो लो बे छोड़ने है जाने होता ही है हमें। जैसा दिखा दो तुम कल लज्जो तुम्हें तो नहीं समझा पाओ भगवान। तो मैं इन दिखात का छू नहीं तो मैं तो पस रे रहा हूँ। अपने हिसाब का लज्जो उनमें लगा दिए दिमाग वो नहीं मैं लगाने और जो हमारे ज्यादा कहना सूखे हम देख ले और तुम हमारे बीच में बोलो तो मैं भी देख ले हैं। कौन से ना बोल गए उसे चार चार कहने लगा देगी हमने तनाक में मुंह तला चली। अब बिना फालतू के खेल लो का वो लैप है ये खुद आदत बेकार है। कछु नहीं दिखाती लोग यहाँ यहाँ के कछु करे धरे के ना करे धरे जित तो है सब मोरी पल पे आ है। फूलवती बोजी कितिया जा आई हो? खेत ताई। खेत ताई कहाँ कहन जाई ऐसे घामे में? डटुगा बीन वे जा रहा लाला। अच्छा डटुगा बीन वे। हाँ। तुम अकेले जा आई हो? अब का करें अब अकेले ही कर इतने भैया तो तुम्हारा सुनत नहीं है हम आओ। अरे ऐसे ही सोलह सुबह हो भज जा बताओ तुम्हें अकेले ही ऐसी भोजी के लाने थे लुमा जात गाँव में जानी तुम न जा गए ऊपर भज जा पहुँचा गए। वही तो लोग यहाँ तो साथ नहीं है बिल्कुल इतनी सी बात नहीं मानत लाला हमारी। हम कछु का थे सोल्टो हमें खाए खाए धोरत ज्यादा तुम सज्जा के अब तुम कछु कत ना उज्जो सुबह खा खा गया। अब काय की तो लड़ाई ऐसी है कि हम जानत के भगवान जानत हम कित तो कही थी उसे। भगवान तो जानती है लेकिन कछु अपन भी करने आओ तुम्हें बताओ। अब करने तो लाला अब का कर बाल बच्चे तो आए ना क्योंकि मार पीट दी जाके भाजी वोट काउट का तो नहीं लाए हो। देखो तो लाला हम राशि खात लो तो है नहीं है। तो हमने कही जगह खात हो तो ना दे दो हमारे लाल। एक दिन हमने खा लाओ तो ना भैया को भैया ने मारो तो दिन से नहीं हम खाई तो बिल्कुल नहीं। अच्छा तुम्हें लग जाती से नहीं? हाँ। अरे सच जगह हो जी। चलो ठीक है लाला घाम ने कराता रहा हम देखें अपना। हाँ हाँ देख लो देख लो। हाँ देख तो जा ही ऐसी भोजी गंगा साग लो लगा तो संगे चलो जाओ डट बटवा भी पैसा देने आए। पैसा देने से क्या बेहतर लगे इतना कच्चे से काट जाओ है अपने घर आओ तो हां बच्चे आज कौन तो टाणो है जल्दी जल्दी चलाता है जल्दी जल्दी चलाता है। देख
अपनी मन सही लगे अपने खेत में भींद गए देख की बाप गए हमारे खेत में कहा कहे खेत का तो है बाप को आ का इतनी जोन तेज बोल रही खेत हमारे बाप को आए सुनो बाप लो तो जाइयो ना मौसमार के बात करियो हमारे लो और जो खेत है ना हमारे ससुर को हमारे खसम को आ का कर ले हो तुम अब तेरे लोग आई पाए गई वो अंता बताओते अब ते अपने मुंस का पहुँचाइए फिर उकी गिंडी गिंडी कह दे हम देख तोरे लंपा सो तो धरो है और मोरे आदमी माल की बात कर रहा हूँ सारे एक दे दो ना कान में खेच के सो चार देना ना उठे हम तो कल सूखा लेने काट के हट तो हम देखा तो यार तो पूरी मस्ती हमने उतार ना दई ना तो देखा था हम तो सौ कर खिंच के काटो है तो लोगे आ दे काम काट के देखा हम कर जा चुपचाप घर अपने पाप कौन तो निकाल के देखो सर लोगे आने निकल का होगा हमारी भौजी का काय मान ओए करे देखो काय सर मोए मार लाल हाथ कैसे लगाओ ओए ओए बाबू बेली बोला हां बाबू बेली बोला हां हम कहीं बोला लाल हाथ लगा ले कि ठीक है सबका धरे गिंडी गिंडी कह के तो पाप में है तुम को खवा है तो बाप हमारे बाप ने खबर हम सबकी गिंदी कह दी हाल दिवे तेरे मुंह दे साथ के हम भी गिंदी कह दे चिकड़ जाओ चुपचाप भाई सास के औलाद बेईमान सास को बेईमान जब तक कलेका लग रहा है और सास के को एक खाता दिया फूटी घर बुझ जाने ऐसी मस्ती चली रहे सास के हम को कह दे हम को के गिंदी गिंदी कह दे के दिखा लूंगा याद महा काम मर रहा हूं नंगा तू से मैं भाई बोला तू ने अपने खसम खा बुला के लिया उकी करन गिंदी गिंदी को मार तू लूंगा याद हमारे आदमी लो जे है ना सामने हंस के मिल है ना जितना तू बता फार के चार न कहे ना हम भी नही उनकी लोग आई चलो लाला चलो तुम नौ कह रहे हो भौजी अपनो खेत लाला कहनिया है खूब आने और जोन कह ना सुगे बताई थम तुमने मोहारी पाओगे तुम्हें माता वो मारो निया दो ठे गच्छी तो रगड़ते हैं तुमने सही रगड़ दो ये गौर गौर रगड़ने दो तुम्हें भागा गौर लोग याने तो हमें तो गरो धने तो काट के गरो तुम्हें तो उनकी छाती में मारने दी लाश सास के में हम देखा था ना अबे थोड़ी ना हम जिया जोड़ाने जब तक हम गए ना ढंग से सुधार नहीं जब तक हम कर ही दे ठंडक नहीं पहुँचने हाँ सास क्यों हमें पर घसीट दादी खुदा लगो गई भौजी मुँह देखा था ढंग से लोग यहाँ लिया सारी की पूरी मस्ती दो मिनट में ना उतरा दी ने लाला हमने तो हम भी है ना कृष्णा की लोग आए मैं हाँ सास को भज जाओ का कर दो करना उगा बुला ले आगे उगा मार दे मुझे तो सास के में बहुत अच्छा हुआ का तू पे इतनी नियोन में औकात के भज जाओ हम आ गए हैं फिर हम हैं जोन दिना में लंदे खसम खा तुम आए उदना इतने माए लट के बाद चीवे आज जाओ हमारे खेत पे भाई बताऊ हम तुम्हें चलो जल्दी जल्दी खाने का नहीं तो रहे। तो खिला देखो तो कौन लौटत रही तुम अब वो लाला कि हम का बता जित तू इंदा कर रहा ना फिर ना सो अब हम जाने थी कि भगवान जानत उसे कहा उड़ाती तुम उसे पूरा गाँव उड़ा भौजी ये बड़ा सो बनूरा ये तो हमारे ज्यादा कहे ना छोक छोक हम ठटरी फूकते हैं अरे भौजी वो है धोखेबाज आदमी को भाव सोना कह गया तुम क्योंकि रिपोर्ट डाल सीधी तुम्हें बता जी और चार जनों गांव में सुना दो तुम्हें बता जब वो आ जाए ना अब तो तुम्हें कम है माओ लुटा लुटा धोखे में तो उन्हें माओगा है यह सो माओ तो भौजी चाह कह रही तुम्हें पटाके नहीं भौजी तू भी माओ का हाँ मुँह देख दो बहुत है माओ देख दो माओ पेंट छलका मैं छलका बेटा उसमें बचे जाओ मूठी है मांस मूठी हुई जाओ अपने लाने इतना हमारे लाने ना हो जाए हाँ बेटा तेज ना हो का मुसाया है आदमी ठीक है मुसाया रंदे उसमें बचे जो हमें काले हम तो समझ आ रही तुम्हें आओ आओ तुम्हारी एक सलाह दे दे तू गुंडा है अपने लाने रे गुंडा हमारे लाने ना रे गुंडा पता के चार का ना लोग यहाँ दिया खाना
खालू खालू तो मैं ती आम खालू उठट रही हो तो हमें खाए ले रहा हूँ। खेत पे आ गया तू का फैसे हाँ फल तो मैं कितो खचोर खचार दो हल्की हम मार दो हमें मार दो। मैंने तो पहले गई थी के ना जा तेरी बनी फल थी से नहीं कहे ना जाए अपनो खेत हमें तो खींच जाना सारे फार के चार कर देने हमने क्या दे सो क्या खेत अपन लेने हैं बस ठोके आ गई हो अब खेत लेने हैं तो है ठोके आ गए सो हमने सूखा अच्छे से मारो ठीक है ना अच्छे से सुधार दो पूछो लाला से आओ भाजी ने इतना माओ का गदबा देगा सुनो चार आदमी ने सुना दो या फिर उकी रिपोर्ट कर दो इतना जेठ रहा पिल्लिया बने के हम ठूसत रहो काप मैं जाओ अकबकान है एकदम मोए गहन ठूसा दिए तो जा तो कब तक जाओ ना भज्जा जोई तो है ऐसो ते लाया युद्ध युद्ध सा फटाके चार कर तो भागा महा सुआ आओ तो भज गया है ऐसे इसे क्या 10 बार की चुईया पहले से साजो है इको कल धो तो कछु होता ही नहीं है। अब बैठ जाओ भौजी थक गई हूं जो तुम तो मैं थक गए रोटी ले आ रहा है लाला से रोटी खा लूं या भूख तो बहुत लगी तो भगवान मैं बेचारा हल्की लाला के तो मारू ना लोग बहुत मारो भौजी ऐसी ऐसी जगह माओ के बता नहीं सका तुम्हें चलो हम ला रहा रोटी है मुखिया जी राम राम पहुंचे राम राम बेटा राम राम कैसो भगत आओ तैंक अपनो घाय चल वो हो गए भाई कहाँ होगा घाय तू वो इंदा है तो उन्हें हमारे खेत जोत लाओ फैसे आसन अच्छा और मोई लुगाई खमाओ मोए भज्जा खमाओ ऊकी इतनी औखादा हो गई हाँ मुखिया जू अपन ने पिछली साल कह दी थी कि भज्जा जे कर लें लेकिन वे माने ही नहीं आए वे कह के हम ही जोते वो जोत लाओ ना हो तो एक काम कहे हाँ गाँव के चाय आदमन का सुना दे वही के लाने तो आओ है मैं हाँ तो मैं तो चलो आओ तने टाइम में लेकिन आदमन का सुना दे चाय आदमी बैठ जाए एक बार हाउ जू और ना मानो साय की रिपोर्ट कहा आवे चले हम मैं थाने हाउ आज जो मालिक साहब है हाउ हाउ ठीक है तो मैं जाता हूँ चाय आदमी जोड़ रहा हाउ हाउ बुला दे आज जो तने और चिंता न करते बिल्कुल इंदा खा समझा गई थी मैंने पिछली साल के मान जज्जे रे लेकिन मानो नो जा जाओ राम राम पहुंचे सब जयंकर तनक हमार घर चल वो हो गए पंचायत लगी जल्दी आवाई हो गए आप आ जाओ तो आ जाओ जल्दी आए अंदर हाँ वहाँ तो नकाय हाँ पंचायत लगी मुए घाय सो आज अज्जे आओ चल देख ले पंचायत का देख ले मुखिया हाँ देख ले चल आओ थे लुगाई खमा हुआ है तो मोई बात तो कुसा मना को लज्जा नहीं चलाई थी वो अंतर तो गिंडुल जी रही आने तो गाय आ बेटा तुम मैं बताओ पंचायत लगी अच्छा बच्चा हो चल ले चलो बच्चा हो सब जने तो आ गए मुखिया यू नहीं आए हाँ सही के चलो आ जाते हैं राम राम पहुंचे सब जन लेट तो नहीं हो गए आज हम आज नहीं है बराजो बराजो और सब जने तो देखे जो घज्जा तो दिखाई रहो कहां आ गओ राम राम पहुंचे राम 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 पहुंचे पंच राम राम कहे उसे कहीं के नहीं कच्चा इंदा से क्या तू मालक में और फिर वो आ रहा तक कहनो ही आओ जाने कहा नहीं आओ अगर आज पंचन में नहीं आए तो ऊपर डांट लगाओ जे हाउ जू हाउ जू कैसी कही राम राम पूजा पंचन खान राम राम लगा लो लेकिन तुमने इतने काम तुम काम तो सब हो रहा तो पंच राजा हो पंचायत सुनू कही जाए कह रहे इंदा तेने इतना टाइम काया लगा था रे पंचन खा तेने ऐसी स्थिति समझ रखो का है नियम कानून जानत कछु का नहीं जानत पंचायत के मुखिया जी हमसे गलतियाँ हो गई इतना काम में भी देते सुबह लेट हो गए अब ना उज्जे चल ठीक है अगली बेर से ध्यान रखिए ते नंता फिर पंचायत तो ऊपर डांड लगा दे और ते अपनी घाई जगह बुला ले पतो चल जाके कहा होगा तो का नहीं भाव तो हाँ मुखिया जी बुला बुलाए ती जा हाँ ते मनोनिया में तो बिल्कुल ऐसे खेत छोड़ आया जो तो आओ नहीं तो मैं पंच राजा हो चल जल्दी अब पंच आ गए है पंचायत लग गई हाँ। और सुन होता है उबर मुबर ना बोलिए जबान समाज का बोलिए धीरे ठीक है ना हाँ। अच्छा जल्दी तो उमर ही आवे तई
और वो आगा उसे ना भूल गई थे उल्टी सीधी सुन ली ना तो पंचायत अपन का डाण लगा दे उल्टो हाँ। अच्छा तो जल्दी हाँ तो बेटा बता इन्हें कहा कहो तो ये संग है सासी सासी बता देख पंचन में परमेश्वर आउत कैसे झूठ झंगा को नहीं जाते काम है ते कह के मैं झूठ झंगा बोलो ते कह मुखिया जी झूठ कहाँ बोले हम देखो तो इन्हें बिल्कुल नहीं लगी अपने मन से हमें वो खेत में खजूर खजूर के मारो और देखो तो हमारा राई भरी उदेर हाँ एक तो मारो के हम का बताएंगे अरे इंदा का कह रही जा बहू तेने ही पे हाथ उठाओ है मुखिया जी ये झूठा बोल रही नहीं ने हमें दो बे पटकू उठा उठा के कहे ते इतना झूठा बोले हो जब फूल सी बहू तो उठा के पटक दे दो बे कहो पंच राजा हो तुम खा लगा थे कि जब वो उठा के पटक दई खा देख तो इन्ना अपने मन से शर्म नहीं लगाता कि चार पंचन में बैठ के मैं झूठ का यहाँ बोलो पूछ तो रती भाई लायका से कि तेने मुँह कैसो खजूरो कैसो मारो मुझे नंग नंग फिरा रहे मैं ही जानत ये शर्म नहीं लगत कैसे बोलत बेटा तुम पंचन में है सही तो बोल रहे मुखिया जू ना हमें हसिया नहीं मिलू ना तो हमें नहीं तो कही जो काट के खा लेती कैसे नहीं बोलने आता है डांट रहे अपनी घाई नहीं खा नंता मैं तो ऊपर डांट लगा दो कैसे बोल रही शांति नहीं रह पाई थे ना सही तो बोल रहे अपनी जा चौका पोका अपने घाय में भीता है कहीं कहे गलती हो गई मुखिया जी अपना बोले मुखिया जी निठटी की गाय गई थी तो हमने पका के कड़ो दो तो पंच राजा थे बैठे वन तो मुड़ी गया काट ले हम इनकी मुड़ी गया अरे कैसे बोले हो तुम पंचन में है? हम सो तो ना खून पीने हैं बेईमान कैसे बोल रही शांत हो जा शांत रहा बेटा शांत रहा वो ऐसे बढ़ चढ़ ना बोले कहे ऊके कहे की तो ऊखा सजा मिले ते कहे बीच बीच में उसे कूदे आई देखो तो मुखिया जी कैसे क्या होगा तुम पंचन में घींच काट ले वो देखो देखो अरे तो हिम्मत कैसे होगा ये पंचन में इतनी कह बेगी है तो बारह साल के लाने बाए कहो जाती मामले में बिल्कुल कहा खा बाए समझ कर होते अपने आप खा बताओ पंच राजा हो ई खा बाए कहो जाए की ना कहो जाए बिल्कुल कहो जाए हाँ पंच राजा हो ऐसा नहीं करने गलती हो गई एकदम अब ना उज्जे तुम खुद बोले चार जन में उल्टे सीधे ऐसे होते तुम हाँ अब ना बोले अब ना बोले बताओ तुम हमारे उनकी कचू इज्जत नहीं है का चार आदमी कहाँ जुए थे फिर तुमने बोझ जा मैं कह रहा हूँ जो तो इतना बढ़ चढ़ बोले हो के आज तक को बाप नहीं बोल पाओ ऐसो अरे अब ना हुज्जे अब ना हुज्जे अब ना हुज्जे काय के लाने लेके आओ तो थे यही मिछिया जा भी जवाब थे नहीं मुखी जा जू एक बे की बिल्कुल क्लास लाई जाए ये अगर दंड ना मिले तो जो ऐसे ही कैफे है कहते कहे जो दंड के लाने में सोचा था एक मिनट दो मोर टाइम मुखिया जू दंड मंड बात के आई के पहले मोह खेत को फैसला करवा दो मोह जोतने आसन कहे की को है वो खेत है मैं 20 साल से बे रहा है तो फिर की को उज्जे खेत बेबे से नहीं होत रहे नाव की के है वह जमीन हमारे ए मुखिया जी के नाव नंजा बता हमारे नाव नंजा बा है हमारे इनके नाव है पंचन में झूठ कुआ बोले हो त्या बोले हो का त्या बोले हो रे है जो ये बोल रहा झूठ जो लोग यहाँ दो देख तो मोरो आदमी तो सीधो साधो तीन तीरा में परत लो नहीं काटे की बात करे तुम्हारे आदमी आ जाओ दो ही पक्षन की बातें सुने से जो नतीजा निकले थे केंदा के झूठ बोल रहा है पंचल में सो सुन उकी तो छोड़ दीजिए जाना वो ई के ऊपर लगा डाड़ एक बकरा लगे तो ही उछिंगन में को पंच राजा हो मंजू हो तो बोलो मुखिया लगे इसे मुखिया लगे इतनी में तो मुखिया जी मारे जे हम अरे अब मारे की क्या कहने लगोते है वो टाइम पे नहीं तेने सोची है जब तुम 20 साल से ही को खेत जोतत रहो है चल बकरा तो वो माप भाव जात है एक पेटी दारू की लगे पंचन के लाने ओ सुन पंचायत को फैसला है कि इनको खेत छोड़ दीजिए और टाइम पे वह पेटी पहुंचवा दीजिए पंचन के लाने चलो तो पंच राजा हो अब पंचायत समाप्त कही जाए वो अपने अपने घर चलो जाए राम राम पहुंचे सब जन राम राम पहुंचे देख तो उन लोग यहाँ अपने आप का समझत तू कई को आदमी तो है ऐसा ही और लोग आई भी कछु न कर पाए लेकिन मोरे आगे चलत काऊ की मैंने अच्छा न सुधार दो
बादे भी जू मैं तो मान गा तू 20 साल को खेत एक ने छुड़ा लो और कहे हल्के में ना लगी हमारे पापा के है ना 17 केस चलत ऐसे जेस लुंजा पंजा तो उनके थे पाँव दबा भी आओ पिछली दाय की पंचायत में फिर कहा कहता ही थी पिछले दाय के हम उन्हें भी सुधार दी थी लेकिन बोया सो तो तुम्हारे माँ नहीं चल पाती तू चल ठीक है अब भी खेत होगा अपने हाँ अब मैं ढूंढत बबुआ उखा हाँ ठीक है ना हाँ, हाँ। अब ना बोल गया को उसे हाँ अब तो जो होने तो हो ही गा बस हमें तो शांति मिल गई अब भैया रोजा राम जी की हम हैं अपने दशरथ प्रसाद धनुषधारी आज को जो हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगो वीडियो अच्छो लगो हो तो वीडियो कह दो लाइक चैनल है कह दो सब्सक्राइब और हाँ भैया हरो ऐसा बात तो हूँ हमें ऐसा नहीं लड़नी है कैसे के दो ही दिन से जावे माँ जमीन से जावे और माँ समाज से जावे तो भैया हरो संतुलन बना के रखो आप लोगों ने कितने ऐसी कोई घटना घटी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइयो वीडियो को अपने दोस्तों तक कह दियो शेयर और बताइयो कि भैया हो चैनल सब्सक्राइब ना करो हो बे तो चैनल का करवा दियो सब्सक्राइब कैसे वीडियो बनावे बहुत ज़्यादा मेहनत लगत है जय बुंदेलखंड जय भारत माता।